सो फाइनली अपन हॉस्टल को छोड़ रहे हैं, मैड मंकी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे सोने में, पर एक बात दोनों सोते समय बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 11 बजे तक तो इनका साउंड चलता है, और 11 बजे के बाद ना क्या होता है, जो इनके बेड्स हैं ना, जिस जो ऊपर वाले साइड में कोई सोता है तो वो अगर हिलता भी है तो पूरा बेड हिलता है भाई, आवाज़ करता बहुत खतरनाक हो रहा है, नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये इशू है, और प्लस थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा, तो एक नया हॉस्टल चलते हैं, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए सो चलते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू ट्रैवलिंग हियर इन कंबोडिया? हाउ यू फील हियर? आई फील ग्रेट। वी फील ग्रेट। वेयर आर यू ट्रैवलिंग इन कंबोडिया? व्हिच प्लेसेस? आई हैव बीन टू सिएम रिप। आई एम हियर नाउ। हाउ आर पीपल हियर? इज फ्रेंडली और नॉट? दे आर हॉस्टल फ्रेंडली। यू कैन सी हियर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दिस ब्रदर इज फ्रॉम इंडिया। यू कैन सी पाकिस्तान इंडियन फ्रेंडशिप। वेरी वेरी नाइस गाय। सो ये भी अपन को हॉस्टल में मिले थे। ठीक है, और ऐसे ही और भी लोग मिलते रहते हैं, चलते हैं बाहर। फाइनली अपन बाहर निकल रहे हैं अपने हॉस्टल से। ठीक है, बाय बाय। सो सब लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं यार, मतलब जब जा रहे थे ना तो बहुत लोगों को बाय करते हुए अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यार मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का इसलिए, और लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तो नई जगह कैसे एक्सप्लोर करेंगे, वो वाली बात भी है। प्लस यार पता है क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है मैडम की, और थोड़ी नींद पूरी नहीं हो पा रही यहाँ पे। पता है क्या होता है ना, यहाँ साउंड चलता ही रहता है, क्रेजी पार्टीज होती रहती हैं। अगर आपका मन करे ना तो वीकेंड पे ज़रूर विज़िट कर लेना यहाँ पे, थोड़ा सा ही एक्सपेंसिव पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन मज़े पूरे मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको मज़े करने का शौक़ है तो आप भी कर सकते हो। अपने मज़े पूरे हो चुके, अपना टाइम हो चुका वापस जाने का, तो अपन निकलने के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और अपन जा रहे हैं वही पुराने हॉस्टल में जिस हॉस्टल में पहले थे अपन। सो बिग चिल करके था वो, बिग इजी करके था वो। ठीक है, और उसी के पास खाना भी सस्ता था, तो वहीं रुक जाएंगे। अपने बस लास्ट के एक दो दिन रह गए हैं। आज है, सो आज है 22, 23, सो दो ही दिन रह गए हैं, मतलब आज और कल ही हम यहाँ पर है। परसों तो अपनी फ्लाइट ही है यहाँ से। ठीक है, और इंडिया वापस पहुँच जाएंगे अपन। अंदर से खुशी बहुत है इंडिया पहुँचने की, क्योंकि अपना देश जैसा कोई देश नहीं है। ठीक है, और अपना तो अपना ही होता है ना, वो वाली बात है। और अपन को यार थोड़े छोटे मोटे काम हैं तो वो भी करने हैं इंडिया पहुँच के, ताकि वो सारे काम निपट जाएँ। लेकिन अभी हम इंडिया ही ट्रैवल करने वाले हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अपन को, क्योंकि अपन कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं इस बार। ठीक है, और तो नया तो मैं हर बार ही करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर लेकिन इस बार कुछ अलग है, एक्सट्रीम होने वाला है। एक्सट्रीम नहीं, इस बार एक्सट्रीम एक्सप्लोर होने वाला है। ठीक है, वो वाला साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं हम इंडिया का, जो पार्ट एक्सप्लोर बहुत कम हुआ है। ठीक है ना, तो मज़े करने वाले हैं अपन। ठीक है, सो चलते हैं अपने हॉस्टल और कुछ खाते हैं रास्ते में। सो ये रही हमारी आज की आशियाना, मतलब कि ठीक है ना, और आ गए अपने पुराने वाले हॉस्टल में। ठीक है, इस हॉस्टल की बस यही खासियत है कि यहाँ पे ना आवाज़ नहीं आती अंदर बिल्कुल भी, नीचे साउंड कितना भी चलता रहे पर ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। दूसरा, यहाँ से ना पास पास सस्ता खाना मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसका नाम भी नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर आपका मन हो कभी बाय चांस कंबोडिया आने का। मैं तो राय देता नहीं हूँ कि आप कंबोडिया आओ, पर अगर आने का मन करे तो यहाँ स्टे कर लेना। और दूसरा, मैडम की आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी जगह आप स्टे कर सकते हो, आपको ठीक लगेगा, मतलब और सस्ता है ये दोनों, ज़्यादा महंगे नहीं। मैडम की थोड़ा महंगा है इससे बस। ठीक है, और अपन चलते हैं बाहर कुछ खाने, भूख लगी बड़ी ज़ोर से। और सब पानी की बॉटल ले ली है अपन ने, बिल्कुल बगल में मिल जाती है अपने हॉस्टल के, सस्ती। ठीक है, और यहीं सामने खाने की मार्केट है, बढ़िया खाना भी मिल जाता है यहाँ पे। देखते हैं अगर हमारा स्टोर ओपन होगा जिससे मैं खाता हूँ तो दिल ही खुश हो जाएगा बस अपना। या सो अपन ने खाने का ऑर्डर दे दिया अपने फ्राइड राइस। ठीक है, जो अपन को यहाँ के पसंद है, चिकन वाले मांगे हैं। ठीक है, वही खाते हैं मस्त, और फिर मतलब थोड़ा बहुत पेट भी जा जाएगी शाम तक की, और एक जगह एक्सप्लोर करने चलेंगे थोड़ी बहुत देर में। ये देख लो, अपने पास 80 रुपये इंडिया करेंसी के हिसाब से कितने सारे चावल आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे यहाँ की,
कि कम पैसों में हैवी क्वांटिटी मिल जाती है तो बढ़िया है, खाते हैं मस्त और दिल खुश कर जाता है आज के लिए। सो गाइज हम जा रहे हैं आज रशियन मार्केट और ये देखना भाई साहब मुझे दुख रहा था, मुझे लगा शायद काटेगा, नहीं काटेगा। चलो अपन चल रहे हैं रशियन मार्केट और रशियन मार्केट और रिक्शा भी देखो ज़रा कितना लग सा है, ऐसा रिक्शा हमारे इंडिया में नहीं होता है ना। सो अपन जा रहे थे रशियन मार्केट, तीसरी बार बोल रहा हूँ एक ही बार में। तो अपन को ना अब आज पास ऐप तो डाउनलोड कर लिया था अपन ने, पास ऐप बुक करेंगे, यहाँ से कुछ 4 से 5 किलोमीटर दूर है तो पैदल चलने में आज मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से चले जाएंगे बाय ग्रैब मतलब कि टुकटुक से और फिर वहाँ से आ जाएंगे आराम से। तो यही सीन रहेगा, अभी देखते हैं कहीं ना कहीं से टुकटुक बुक करते हैं। और ये भाई भी आए हमारे इंडिया से, इनको सिम भी अभी चाहिए, जस्ट अभी उतरे, ये वियतनाम से हैं, वियतनाम की तारीफ बहुत करी है इन्होंने, पर अपन को अभी इंडिया जाना है, काफ़ी अच्छा बता रहे। और अभी हमें वैसे इंडिया जाना है क्योंकि आपको पता है अपने साथ जो सीन हुआ है उसकी वजह से, और फिर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे तो फिर कभी शायद देखें वियतनाम, कभी अभी नहीं। सो दोस्तों अपन आ चुके हैं रशियन मार्केट और अंदर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे बाहर तो सारा जगह खाना ही खाना मिल रहा है, ठीक है। ओहो खाना काफ़ी महंगा है, 8,000 रियाल 7,000 रियाल, ठीक है चलो चलता है, थोड़ी बहुत महंगाई भी चलती है। सो दोस्तों रशियन मार्केट तो होगी क्लोज़, सुबह 7 बजे खुलती है, ठीक है, शाम को रहती है क्लोज़। अगर कभी आप यहाँ आ रहे हो तो जनरली कहता हूँ टाइम से आ जाना क्योंकि ये रात को क्लोज़ हो जाती है। सो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे रशियन मार्केट के जो रात में खुले हुए थे, ठीक है, वो कोई और मार्केट होगी मे बी, लोगों ने उसे रशियन मार्केट बोल दिया। बोला था ना कंबोडिया में गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं और बुद्धा जी की,